स्कूली बच्चों में फुटबॉल की प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए और उन्हें स्पोर्ट्स के एरेना में और भी ग्रूम करने के लिए नारायणा स्कूल आयोजन करने जा रहा है गोल्डन बेबी लीग। जी हाँ, इस विशेष गोल्डन बेबी लीग में नारायणा स्कूल के अलावा डीपीएस जोका, डीपीएस रूबी, द हेरिटेज स्कूल, विवेकानंदा मिशन स्कूल, केंद्र विद्यालय और होली क्रॉस स्कूल, एपीजे स्कूल वगैरह के 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे इस गोल्डन बेबी लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें कि सभी मैचेस नारायणा स्कूल के ग्राउंड में क्लास डे के दिन होंगे और ये पूरा टूर्नामेंट इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि आईएफए के गाइडलाइंस के मुताबिक होगा, जबकि एको ग्लोबस वेंचर्स इस पूरे टूर्नामेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इस मौके पर कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान गोल्डन बेबी लीग ट्रॉफी का विमोचन भी किया गया, जिसमें खासतौर से पूर्व इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉलर और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के ब्रांड एम्बेसडर सैयद रहीम नबी मौजूद थे। सैयद रहीम नबी ने कहा कि असल फुटबॉल स्कूल से शुरू होता है और मुझे खुशी है कि नारायणा स्कूल ने एक बेहतरीन कदम लिया है, जिससे आने वाले दिनों में यंग टैलेंट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पूर्व क्रिकेटर और एको ग्लोबस वेंचर्स के फाउंडर फिदाउल हक ने कहा कि हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि बच्चों को लर्निंग एज में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की ओर ले जाया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स के जरिए जोड़ा जाए। যেরকম হাওড়া জোনে হাওড়াগুলো খেলবে, পাক সার্কাস এরকম, আর আপনি যদি রাজারহাট দেখেন, রাজারহাট সাইড রাজারহাট, মানে প্রত্যেকটা জোনে কিন্তু খেলা হচ্ছে। এর আগেও বেবি লিগ হয়েছে, কিন্তু এবারে নারায়ণা যেটা করছে আরও মানে কী বলতো, আপগ্রেড হয়েছে, আরও ভালোভাবে এনারা করতে চাইছে এবং অনেকগুলো টিমকে নিয়ে একসঙ্গে করতে চাইছে। নারায়ণা যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে প্রত্যেকটা, এবং কি ইভেন আমার যত মনে হয় কলকাতার বাইরেও যে ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলোকেও তারা ইনভলভ করছে, এটা একটা ভালো দিক। দেখুন, আমি একটু আগেই বলছিলাম যে যদি বাংলার ফুটবল এবং যদি ফুটবলকে আপনি বাঁচাতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে স্কুল ফুটবল থেকে কিন্তু ফাইটিংটা শুরু হয়। এটা আমি মনে করি লাইফের যে একটা ফাইটিং বা খেলার একটা স্পিড যদি আসে, সেটা স্কুল থেকেই আসে। তো খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ আমার মনে হয়, এটা আরও ভালোভাবে যদি করতে পারি, এখান থেকে আপকামিং মানে আগামী দিনে আমরা ভারতীয় দল বলুন বা অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আমরা পাবো। বার্তা এটাই দেবো যে এরকম কিন্তু আরও অনেক লিগ, শুধু আমাদের এখানে করলে হবে না, আমাদের কিন্তু গ্রাম বাংলার লিগগুলোকেও কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গ্রাম বাংলার অনেক স্কুল আছে যেখান থেকে আমি উঠে এসেছি, আমি জানি। আমি ইন্দ্রানাদী হক সাহেবকে বলবো বা যারা আছে ওনাদেরকে বলবো যে একটা লিগ একবার গ্রামের দিকেও করে দেখুন, কেন গ্রামের টিমগুলোও কিন্তু খেলতে চায়। ওখানে অনেক সাপোর্টার আছে যারা এই লিগের জন্য কিন্তু, কেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পাচ্ছে যে বেবি লিগ, গোল্ডেন বেবি লিগ হচ্ছে। তারাও তাদেরকেও যদি আমার মনে হয় ইনভলভ করা হয়, আগামী দিনে কী হবে, এই স্কুল থেকেই কিন্তু প্লেয়ার তৈরি হয়। तो ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है अशफाक भाई, हम लोगों ने पहले भी किया है। हम लोगों ने पहले साइनी स्कूल के साथ मिलके एक बेबी लीग किया था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें भी रहीम हमारे साथ ही थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त भी कहा था कि बच्चों को स्कूल लेवल से डेवलप करना ज़रूरी है, सो दैट वी गेट अ गुड फ्यूचर इन फुटबॉल। तो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए अगर एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, एक अच्छी टीम बनानी है, तो तैयारी यहाँ से करनी है, स्कूल से। तो स्कूल में अंडर 6 है, 8 है, 12 है, यहाँ से तैयारी शुरू होगी, तब हमें एक अच्छा टीम मिलेगा। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने साफ गेम्स जीतने के पीछे एक मेहनत है, जिस मेहनत को और अच्छी तरह से हम लोगों को करना है, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन गेट्स अस टू अ वर्ल्ड कप में भी। सो ये हमारा एक होप होना चाहिए कि हम यहाँ से डेवलप करें और वर्ल्ड कप को अपने नज़र में रखें कि हम लोगों को आगे चल के वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। सैयद अपन नवीन अभी कुछ देर पहले कहा कि असल फुटबॉल जो है ग्राम बांग्ला में होता है, तो क्या ग्राम बांग्ला में भी आप लोग? सो टैलेंट कहीं भी मिल सकता है, टैलेंट एक कोयले के खान से हीरा निकालने के बराबर है। रहीम नबी कहाँ से आए, ये भी उसी जगह से आए, ये हीरा कहाँ से मिला हम लोगों को, उसी ग्राम से मिला। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्राम में ही है या शहर में ही है, ये कहीं भी हो सकता है, निकालना हम लोगों को है। और निकाल कैसे सकते हैं, वी विल हैव टू टेक अ स्मॉलर स्टेप टूवर्ड्स अ बिगर ड्रीम। तो आज अगर हम लोग इसको शुरू करेंगे, आज हम अगर ढूंढना शुरू करेंगे, तो कल शायद हमें कल का सुपरस्टार मिलेगा, एक और रहीम नबी मिलेगा। तो फॉर्मेट जो है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का, 18 स्कूल्स हैं नारायणा में। नारायणा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो सारे 18 स्कूल्स में ही इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इनका जो 18 स्कूल है, ये ज्योग्राफिकली वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें नॉर्थ बंगाल भी आता है, जैसे सिलीगुड़ी है, फूलबाड़ी है, कैलिमपोंग है, इसमें आसनसोल भी आता है, बर्दवान भी आता है, कल्याणी आता है, इसमें हल्दिया आता है, कैलकटा में पार्क सर्कस आता है, न्यू टाउन, बहुत सारे जगहों पर हम लोग एक साथ कर रहे हैं। और उसी विसिनिटी के स्कूल्स को लेकर हम इस टूर्नामेंट को करना चाह रहे हैं, सो दैट हम सारे बंगाल को कवर कर पाएँ इस टूर्नामेंट के अंदर।
यहाँ पे अंडर 6, अंडर 8 और अंडर 12 तीन कैटेगरी में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 6 में 3 प्लेयर होंगे एंड 8 एंड 12 में 5-5 प्लेयर्स होंगे जो कि खेलेंगे, और हमारे हर ग्रुप में 8 टीमें होंगी जो कि एक दूसरे के साथ खेलेंगी, और 30 अगस्त को हमारा फाइनल खेला जाएगा। আমরা তো খুব খুশি হব তাতে, কারণ কি আমরা এই পুরোটাই করছি ছোট বাচ্চাদের জন্য। আজকে মানে বাচ্চারা হয়তো মাঠে দৌড়ানোটাই ভুলে গেছে, পড়াশোনার চাপে আমরা দেখি ওরা অনেক বেশি স্ট্রেসে থাকে। সেই ক্ষেত্রে একটা মাঠে দৌড়বে, খেলবে, একটা কোথাও যেন একটা বন্ডিং, তো এটা ওরা বুঝতে পারছে না, বন্ধুদের মধ্যে বন্ডিংটাও অতটা নেই এখন। তো একটা খেলাধুলোর মধ্যে যে বন্ডিংটা হবে আমার অন্য কোনোভাবে হতে পারে না। তো আমি তো ভীষণভাবে খুশি হব যে আমাদের ইনিশিয়েটিভে যদি অন্যরাও শুরু করে, উই উইল বি ভেরি ভেরি হ্যাপি। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি, আমি একাডেমিক হেড নারায়ণা গ্রুপ অফ স্কুলস, ওয়েস্ট বেঙ্গল।